બચાવવા માટે મામૂલી આંદોલન કરે તો એમની ઉપર લાઠીઓ અને ગોળીઓ વરસાવવા. હિંસા આતંકવાદ મતલબ કશ્મીર કા નામ આતા હૈ, લેકિન ઉસ કશ્મીર મેં પંચાયતો કે ચુનાવ હુએ, 30,000 કે કરીબ લોગ મેદાન મેં થે, એક પોલિંગ બુથ પર એક ભી હિંસા કી ઘટના નહીં. ઉસી કાર્યકાલ મેં બંગાળ મેં પંચાયત કે ચુનાવ હુએ, સેંકડો જો જીત કર આ ગયે ઉનકે ઘર જલા દી ગયે, જો જીત કરકે આયે ઉનકો ઝારખંડ યા અન્ય રાજ્યો મેં જા કરકે તીન તીન ચાર ચાર મહિને મુંહ છુપા કે રહેના પડા, ઉનકા ગુના યહી થા, વો જીત કરકે આયે થે. ઉસ સમય યે લોકતંત્ર કી બાતે કરને વાલે લોગ ન્યુટ્રલ ચૂપ રહે, વહાં કી ભારતીય જનતા પાર્ટી ભી આવાજ ઉઠાતી રહી, વહાં કી કોંગ્રેસ ભી આવાજ ઉઠાતી રહી, વહાં કી લેફ્ટ પાર્ટી ભી આવાજ ઉઠાતી રહી, પાર્લામેન્ટ મેં ભી કોંગ્રેસ ને બીજેપી ને લેફ્ટ ને સબને આવાજ ઉઠાઈ, લેકિન ચુનાવ કે પહેલે ભારતીય જનતા પાર્ટી કે મુખ્યમંત્રી જાય તો ઉનકા હેલિકોપ્ટર તક લેન્ડ ન કરી દીધી જાય, લાસ્ટ મોમેન્ટ સભા કેન્સલ કરી જાય, રાત 9 બજે પરમિશન મળી જાય, ઉસકે 2 દિન પહેલે અમિતભાઈ શાહ કી સભા કેન્સલ કરી દીધી, તો યે પૂરી લોકતાંત્રિક હૈ. ઓર ઉસકા કારણ યે હૈ કે ઉનકો બીજેપી કા ભય નહીં, ઉનકો લેફ્ટ કા ભય નહીં, ઉનકો કોંગ્રેસ કા ભય નહીં હૈ. મમતાજી કો સ્પેશિયલી ઓર ટીએમસી કો બંગાળ કી જનતા કા ભય હૈ. ઉનકો લગતા હૈ કે અગર બંગાળ કી જનતા ઇસ સચ કે સાથ મુકર કરકે નિકલ પડી તો ઉનકા ભવિષ્ય તાર તાર હો જાયેગા, ઓર ઇસલિયે જો લડાઈ હૈ વો બંગાળ સરકાર, બંગાળ ટીએમસી પાર્ટી, ટીએમસી કે ગુંડે, ये तीनों की जो जुगलबंदी है उसकी जनता के खिलाफ लड़ाई है. हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है. मोदी सर, इसमें एक और सवाल उठता है, आप वजारत से लेकर प्रधानमंत्री हमेशा आप जनता के बीच में रहे, लोगों के बीच में रहे, 5 साल भी आप लोगों के बीच प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी आपने हर रोज वक्त निकाला जनता के बीच आने का. अब आखिरी चरण के चुनाव आ चुके हैं, क्या फोरकास्ट है, अकेले दम पर बीजेपी एनडीए या सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी? पहली बात है, भारतीय जनता पार्टी पहले से अधिक सीटों से विजयी होकर के आएगी, वोट शेयर भी बढ़ेगा, मार्जिन भी बढ़ेगा और भौगोलिक रूप में क्षेत्र भी बढ़ेगा, यानी एक प्रकार से हमारा ये बहुत ही ग्लोरीफुल विक्ट्री होगी, ये मैं देख रहा हूँ. और उसका कारण क्या है, इसलिए नहीं है कि बीजेपी की कोई रणनीति है, ये चुनाव जनता लड़ रही है. आप हैरान होंगे, इस बार चुनाव के जितने भी नारे आए हैं बीजेपी की तरफ वो सारे जनता की तरफ से आए हैं, हमारी कोई पीआर एजेंसी या हमारी पार्टी से कोई नारा ही नहीं बनाए. अब आएगा तो मोदी ही, मैंने जनता से सुना. तो लोग अब कोई चुनाव जनता लड़ती हो ये अभूतपूर्व घटना है. दूसरा, एनडीए के साथी भी उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, उनकी सीटें बढ़ेगी, उनका मार्जिन बढ़ेगा और उनकी ताकत भी बढ़ेगी, तो रीजनल एस्पिरेशंस के लिए भी एक अच्छा वातावरण बनेगा. आप जो कह रहे हैं, क्या इस बीच एक बड़ी चर्चा और खासतौर पर आपके विरोधी कह रहे हैं, कई सारे बड़े इंटरनेशनल पब्लिकेशन कह रहे हैं कि यह जो सो भारत का सबसे पोलराइज चुनाव है स्वतंत्र भारत के इतिहास में और आप सबसे बड़े डिवाइडर हैं, इस तरह की जो इमेज क्रिएट की जा रही है, कौन लोग हैं, क्या उद्देश्य है और क्यों ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई ऐसा है? मैं समझता हूँ कि छवि बनाने वाले तो मेरी 20 साल से छवि बनाने बिगाड़ने में बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें उनकी छवि खराब हो गई, जो मेरी छवि बिगाड़ने में आए उनकी छराई छवि आए, तो मुझे उन पर दया होती है. लेकिन क्या ये डिवाइड वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? अगर है तो मैं नहीं मानता हूँ है, अगर है तो डिवाइडर वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है भी, तो आज गरीब पोलराइज हो गया, जाति का बंधनों से बाहर आ चुका है और गरीब सीधा सीधा मोदी से आइडेंटिफाई हो गया है. अगर गरीब मिलकर के खुद का भी भला करना चाहता है, देश का भी भला करना चाहता है, तो दुख किस बात का है, क्यों ऐसे लोग दुखी होते हैं? गरीब अगर जात पात से बाहर आया है, पंथ संप्रदाय से बाहर आया है और अपने बच्चों के भविष्य के लिए आगे आया है, अपने बच्चों के भविष्य में वो देश का भविष्य देख रहा है, तो अच्छी चीज़ है, इसका गर्व करना चाहिए.
सर, कांग्रेस का एक परिवार है, परिवारवाद पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहा है। इस बार नॉमिनेशन में देखा गया कि प्रियंका के बच्चे भी बड़े हो गए, वो भी नॉमिनेशन में आ रहे हैं। एक नरेंद्र मोदी का परिवार है जिसको कोई जानता तक नहीं, कोई राजनीति में नहीं है। तो कितना दूर है परिवार को राजनीति से दूर रखने का, बड़ा मुश्किल काम है। जो वो लोग दूर नहीं रख पाते, आप दूर रख पाते हैं, ये उनको पूछना चाहिए। मेरा मुद्दा कोई परिवार है ही नहीं। मैं बाबा साहब आम्बेडकर का एक विद्यार्थी हूँ और एक विद्यार्थी के नाते बाबा साहब आम्बेडकर को जितना मैंने समझा है, मैं दावा तो नहीं करता कि इतने महापुरुष को मैं समझ लूँ, लेकिन जितना समझा है, बाबा साहब आम्बेडकर हमेशा कहते थे कि लोकतंत्र का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वंशवाद है। ये वंशवाद बहुत खतरनाक है और दुर्भाग्य से देश में कांग्रेस भी वंशवाद की तरफ चलेगी और कांग्रेस गोत्र से जितने लोग बाहर निकले वे भी वंशवाद की तरफ चलेंगे। ये सबसे बड़ा संकट है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। राजनीति लोकतंत्र में राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उभरने चाहिए। कोई भी व्यक्ति उस पार्टी का नेतृत्व करे, पार्टी की निर्णय प्रक्रिया में हो, ये स्थिति बननी चाहिए। आपकी जो 5 साल की जो उपलब्धि है उसमें एक बड़ी उपलब्धि विदेश के मोर्चे पर जो भारत का की जो साख बड़ी अंतर्राष्ट्रीय करार दिया जाता, आप उसी नजरिए से पेश करने की कोशिश की जाती है, क्या वाकई मुस्लिम समाज आपसे परेशान है, दुखी है, आपसे डरता है, या ये नैरेटिव जो है वो पिछले 1.5-2 दशक से ऐसे ही आपके सामने एक वोट बैंक की राजनीति करने वालों की मोड़े सप्रेंडी देखी है। वोट बैंक की राजनीति करने वालों की मोड़े सप्रेंडी देखी पिछले 70 साल से मुसलमानों को डराने के लिए अलग अलग समय पर उन्होंने अलग अलग पात्र ढूंढे हैं, अलग अलग संस्थाएं ढूंढी है, अलग अलग व्यक्ति ढूंढे हैं और उनको गाली दे करके उनका भय पैदा करके मुसलमानों को के लिए है। जहाँ तक मेरा सवाल है, हम तो एक ही संस्कार लेकर के आए हैं, एक ही मंत्र लेकर के आए हैं, सबका साथ सबका विकास। जब मैं बिजली देता हूँ तो मैं सरकार को सूचना करता हूँ कि गांव में एक तरफ से शुरू करो, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर। मान लीजिए इस साल 25 घर का बजट है तो पहले 25 को दो, अगले साल 25 का बजट आएगा तो 26 से 50 को दो। किस जाति का है, किस पंथ का है, ये मत पूछो, यही देश का भला करेगा। वाराणसी का कायाकल्प एक बहुत बड़ा उदाहरण है लोगों के सामने। फ्लाईओवर बन गए हैं, घाटे साफ हो गए हैं और ये बहुत बड़ा उदाहरण है पूर्वांचल के सामने भी। हर राज्य, हर क्षेत्र चाहता है कि बीबीआईपी कंस्टिट्यूंसी बने। क्या वाराणसी का असर आसपास के तमाम जिलों पर भी पड़ेगा, पूर्वांचल पर पड़ेगा, यूपी पर पड़ेगा? सवाल बीबीआईपी शब्द ठीक नहीं। देश में आपको काम करना है तो मॉडल खड़े करने, स्ट्रेटेजी वही होनी चाहिए। अब जैसे गुजरात में मैं था तो साबरमती रिवर फ्रंट बनाया, अब वो एक मॉडल बना तो देश में अलग अलग लोग उसमें से कर रहे। अब वो एक मोदी वहां था इसलिए बना, इसकी क्रेडिट देने के बजाय देश बदलना है तो कैसे बदलेंगे, हमें इस दिशा में सोचना चाहिए। और मेरी कोशिश ऐसी है कि अब हमारे देश को 21वीं सदी के अनुरूप तैयार करना चाहिए, ग्लोबल बेंचमार्क के अनुरूप करना चाहिए और पुराने जमाने की सोच, मरी पड़ी सोच नहीं चलेगी। आपने कहा कि आराम से फिर से सरकार बनने जा रही है आपकी, लेकिन एक बड़ा जो सवाल देखने को आ रहा है, बार बार जो मुद्दा उछल रहा है कि ईवीएम पर विपक्ष जो है जूझ कर अटैक कर रहा है, चुनाव आयोग पर हमले हो रहे हैं। चुनाव आयोग पर यह कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग सबके खिलाफ कार्रवाई करता है, वह जो है बीजेपी के खिलाफ नहीं करता और खासतौर पर आपके खिलाफ नहीं करता। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता जो है कटघरे में खड़ी की जा रही है, क्या वाकई इस तरह की सिचुएशन है या इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन जो कि डेमोक्रेसी को रन करने के लिए जरूरी है, चूंकि चुनाव महापर्व है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल, यह किस तरफ जा रहा है? पूरे विश्व में भारत के इलेक्शन कमीशन का जय जयकार होता है। दुनिया आज जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, भारत की इलेक्शन प्रक्रिया, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन के हमारे ईवीएम मशीन, इसको बड़े आदर और गर्व के साथ देखता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन महान, ईवीएम महान, और हारते हैं तो सब संकट। ये जो तरीका बना है, और आपने देखा होगा पहले 3 चरण के चुनाव तक ईवीएम आया नहीं, गालियां अकेली मोदी को पड़ती थी। चौथे 5वें चरण में 50-50% हो गया, 50% गाली मोदी को, 50% ईवीएम को, और 6ठे चरण के बाद 30% हो गया, 30% मोदी, 30% ईवीएम और 30% इलेक्शन कमीशन। तो ये उनके पराजय के लिए वो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं।
कि अब ठिकरा किसके सर पर फोड़ा जाए। ठीक है, आखिरी सवाल, एक विकल्प तैयार करने की कोशिश हो रही है दिल्ली में, किसको तमाम विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है, लेकिन ना अखिलेश आ रहे हैं, ना मायावती आ रही है, ना ममता आ रही है, लेकिन विकल्प मोदी का तैयार करने का, कोई बीजेपी को हराने की बात नहीं करता, सब मोदी को हराने की बात कर रहे हैं। ये अपने को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, संकट से बचने के लिए खोल रहे हैं। इतनी बड़ी आंधी आई है, बचेंगे कैसे? इसके लिए उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है कि चलो भाई लड़ लिया, आमने सामने लड़ लिया, बंगाल में कांग्रेस को ममता ने गाली दी, कांग्रेस ने ममता को गाली दी, लेकिन अब 23 के बाद तो फिर मोदी आ रहा है, मर जाएंगे, चलो यार कुछ करो, इसलिए 22 को इकट्ठे हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक आखिरी सवाल, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं, इस तरह का मैराथन कैंपेन, ये गर्मी? धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से जो सो आप लगातार जो कैंपेन कर रहे हैं और ये जो नजारा है और उसके बीच चुनाव प्रचार, यह जो है जाहिर है मोदी की अदा, और ये पिछले एक तरह से कह सकते हैं 2 दशकों से इसी तरीके से कैंपेन किए जा रहे हैं लगातार, और ये खास मुलाकात यहाँ पर अभी पूरी होते हुए। धन्यवाद। खास मुलाकात વડાપ્રધાન સાથે, જેમાં પબ્લિસિટી માટે મોદીને અપશબ્દો બોલવાને લઈને વડાપ્રધાને જણાવ્યું છે ભાજપ પહેલા પણ બેઠકો વધુ જે જીતશે તેને લઈને જણાવાયું છે। આ સાથે સાથે વડાપ્રધાન પર પણ જે પ્રહારો થઈ રહ્યા છે, જે સંબોધન દરમિયાન વડાપ્રધાનને અપશબ્દો કહેવામાં આવી રહ્યા છે, તેના પર પણ ખાસ બોલ્યા વડાપ્રધાન। તેમનું કહેવું છે કે પબ્લિસિટીનો સ્ટન્ટ છે, પબ્લિસિટી માટે મોદીને આ પ્રકારના અપશબ્દો બોલવામાં આવી રહ્યા છે, તેનો ફાયદો ભાજપને થશે તેમ પણ અગાઉ પહેલા તેમણે જણાવ્યું હતું, પરંતુ ખાસ ન્યૂઝ 18 સાથેની વાતચીતમાં તેમણે દિલ ખોલીને વાત કરી છે। તો ભાજપ પહેલા કરતા વધુ બેઠકો જીતશે, જે ખાસ આશાવાદ છે, વડાપ્રધાને પણ આ જ આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો છે।